तो ये कहानी की शुरुआत चंपा के टूर्नामेंट के बाद से होती है। सभी योद्धाएं अपने अपने प्लेनेट में चले जाते हैं और इधर प्लेनेट अर्थ पर गोकू और गोटेन अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और वो ट्रेनिंग सुपर सैयन फॉर्म में हो रहा होता है, जिसके कारण वो दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं। तभी गोटेन बोलता है, हे डैड, आप अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? फिर गोकू कहता है, नहीं गोटेन, अगर मैं अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करूं तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। फिर गोटेन बोलता है, मुझे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। उसके बाद गोटेन अपनी शक्ति बढ़ाने लगता है और ये देखकर गोकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या बात है गोटेन, तुमने तो सुपर सैयन 2 फॉर्म को हासिल कर लिया। हमें ट्रेनिंग किए सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। फिर गोटेन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आपको जरूर हराऊंगा डैड, चाहे मुझे अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगानी पड़ जाए। और गोकू ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो ये सोचता है कि ये तो बहुत ही तेजी से सीख रहा है और सुपर सैयन 2 फॉर्म को इसने सिर्फ 3 दिन में ही हासिल कर लिया। इसकी पोटेंशियल तो गोहान से भी ज्यादा है। उसके बाद गोटेन गोकू को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा सा धमाका करता है। फिर गोकू बोलता है, इसका कोई फायदा नहीं गोटेन। और फिर गोटेन बोलता है, आप अपनी पूरी शक्ति लगाइए डैड। फिर गोकू मान ही जाता है और बोलता है, ठीक है गोटेन, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। और उसके बाद गोकू सुपर सैयन 3 में बदल जाता है। फिर गोकू बोलता है, इस फॉर्म में तो तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो गोटेन, क्योंकि ये शक्ति सुपर सैयन 2 से भी बहुत ज्यादा बड़े है। फिर गोटेन बोलता है, ठीक है डैड, जरा मैं भी तो देखूं कि सुपर सैयन 3 में आखिर कितनी ताकत है। उसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। उसके बाद हमें लॉर्ड बीरस का प्लेनेट दिखाया जाता है। फिर विस बीरस को बोलता है, ये सब क्या है लॉर्ड बीरस? उसके बाद बीरस बोलते हैं, विस, मैंने एक सपना देखा था। फिर विस पूछते हैं कि कैसा सपना लॉर्ड बीरस? लॉर्ड बीरस कहते हैं कि गोकू इस पूरे यूनिवर्स के लिए एक मुसीबत है विस, और मैंने देखा कि गोकू ज़ेनोसामा से कुछ मांग रहा था, कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक जो इस पूरे यूनिवर्स के लिए बहुत ज्यादा खतरा साबित हो सकता है। इसके बाद लॉर्ड बीरस विस से कहते हैं कि विस, जल्दी प्लेनेट अर्थ से कॉन्टेक्ट करो, क्योंकि मुझे उस गोकू को खत्म करना है। उसके बाद विस लॉर्ड बीरस से कहते हैं, लेकिन लॉर्ड बीरस, ये सपना तो झूठ भी हो सकता है ना, क्योंकि गोकू अपने प्लेनेट के लिए बहुत कुछ करता है, तो वो भला ऐसा क्यों करेगा? फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं कि तुम शायद भूल रहे हो विस, कि मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और पिछली बार मैंने जो सपना देखा था वो बिल्कुल सच था, तो ये भी सच है। उसके बाद लॉर्ड बीरस बुलमा, वेजिटा और पिकोलो से कॉन्टेक्ट करते हैं और उन सभी को बोलते हैं कि गोकू को खत्म कर दो, क्योंकि वो इस पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा साबित होने वाला है, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो मैं गोकू के साथ तुम सभी को खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। फिर लॉर्ड बीरस बोलते हैं, विस, चलो प्लेनेट अर्थ पर। उसके बाद हम प्लेनेट अर्थ पर देखते हैं, गोकू गोटेन से कहता है, गोटेन, ये आखिर कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? तुमने तो मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया, क्योंकि ये सुपर सैयन 2 फॉर्म नहीं बल्कि सुपर सैयन 3 से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी तुम मेरे इस सुपर सैयन 3 का मुकाबला नहीं कर पाओगे गोटेन। और मैं तुम्हें बता दूं गोटेन कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से एक बीम आकर गोकू के छाती पर लगता है और गोकू अपने घुटने पर बैठ जाता है। उसके बाद गोटेन बोलता है कि फादर, आपको क्या हुआ? गोकू को चोट लगता हुआ देखकर गोटेन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर गोटेन ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि क्रिलिन ने किया था। उसके बाद क्रिलिन गोकू से कहता है कि मुझे माफ करना गोकू, लेकिन ये मैं अपने प्लेनेट के लिए ही कर रहा। उसके बाद गोकू कहता है कि क्रिलिन, पिकोलो, ये सब आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? उसके बाद पिकोलो आकर कहता है कि ये सब हम अपने प्लेनेट के लिए कर रहे हैं गोकू, और हमें तुम्हें मारना ही होगा। उसके बाद गोटेन कहता है, पिकोलो, क्रिलिन, आखिर तुम लोग ये सब मेरे डैड के साथ क्यों कर रहे हो? फिर सामने से गोहान कहता है, हमें माफ कर दीजिए फादर, लेकिन ये सब हम अपने प्लेनेट के लिए ही कर रहे हैं और आप हमारे प्लेनेट के लिए खतरा हैं। और गोकू ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, गोहान, तुम भी। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिलिन तुरंत गोकू पर हमला कर देता है और इधर बुलमा और चीची भी उन लोगों का साथ दे रहे होते हैं और वो सब मिलकर बोलते हैं कि गोकू को मार डालो, ये हम सब के लिए खतरा है, उसे जिंदा मत जाने देना। और गोकू ये सब देख के पूरी तरीके से हिल जाता है और वो ये सोचता है कि इन सब में चीची भी शामिल है। और उसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत क्रिलिन गोकू पर हमला कर देता है और पिकोलो अपने स्पेशल बीम कैनन से गोकू पर हमला करता है और गोकू फिर उन सभी से बोलता है, तुम सब पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम लोग ये कर क्या रहे हो? फिर गोहान बोलता है, हमें आपको मारना ही होगा डैड, वरना ये पूरा यूनिवर्स तबाह हो सकता है।
सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। उसके बाद क्रिलिन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा गोहान, ये गोकू हमारे लिए मुसीबत है। और वो गोकू से कहता है, अगर तुम इस प्लेनेट से चुपचाप चले जाओ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो हम सब तुम्हें मिलकर मार डालेंगे। फिर पिकोलो भी बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ गोकू, और दोबारा लौट कर कभी मत आना। फिर गोकू हैरान होकर बोलता है, क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ और दोबारा लौट कर नहीं आऊँगा? क्या तुम सब ये भूल गए कि मैंने इस प्लेनेट को कितनी बार बचाया है, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस प्लेनेट को बचाने के लिए, और तुम सब मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? उसके बाद पिकोलो कहता है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गोकू, बस तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा लौट कर कभी मत आना। उसके बाद गोकू सबसे कहता है, ऐसे कैसे तुम सब मुझे यहाँ से भगा सकते हो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। और ये बात बोलने के बाद गोकू अपना पावर अप करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोहान गोकू पर अटैक करने जा ही रहा होता है, लेकिन उसके रास्ते में गोटेन आ जाता है और गोहान बोलता है, तुम हट जाओ मेरे रास्ते से गोटेन। फिर गोटेन बोलता है कि मैं नहीं हटूंगा गोहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और हाँ अगर तुम्हें लड़ना ही है तो तुम मुझसे लड़ो। उसके बाद गोहान कहता है कि तुम बहुत ही कमजोर हो गोटेन, और मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर सकता, और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाऊंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोहान एक बहुत बड़ा धमाका करता है जिससे गोटेन बहुत ही आसानी से निकल जाता है। उसके बाद गोटेन गायब होके सीधा गोहान के चेहरे पर वार करता है, और गोहान बोलता है कि ये काफी जोरदार था, लेकिन मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता गोटेन, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो, लेकिन तुम डैड का साथ दे करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि डैड इस यूनिवर्स के लिए खतरा है, इसीलिए मेरे बीच में मत आओ गोटेन, वरना मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। उसके बाद गोटेन बोलता है कि चुप रहो गोहान, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि लॉर्ड ब्यूरस तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं? लॉर्ड ब्यूरस ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि डैड उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, और इसीलिए लॉर्ड ब्यूरस ये नहीं चाहते हैं कि हमारे डैड जिंदा रहें। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान तुरंत सुपर सैयन 2 में बदल जाता है। और उसके बाद गोटेन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो? फिर पिकोलो बोलता है, उस पर भरोसा मत करना गोहान, मुझे पता है कि वो तुम्हारा भाई है, लेकिन इस वक्त ये करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों भाइयों के बीच में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है, और तभी हम देखते हैं कि गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर गोकू बोलता है, मैं थक चुका हूँ ये सब सुन करके, और मैंने जो इस प्लेनेट के लिए किया है वो सब कुछ शायद तुम लोग भूल चुके हो, और अब तुम लोग देखोगे कैकरॉट की असली ताकत। और इसके बाद हम देखते हैं कि उधर बुलमा बोल रही होती है, नहीं गोहान पिकोलो, तुम्हें गोकू को हराना नहीं है बल्कि तुम्हें गोकू को मारना है। और फिर गोकू बुलमा के पास जाता है और उसकी गर्दन पकड़ कर बोलता है, ऐसा क्यों कर रही हो बुलमा? और ये बात बोलने के बाद गोकू बुलमा को वहीं पर छोड़ देता है। और उसके बाद गोटेन बोलता है कि डैड मैं अपने भाई को संभाल सकता हूँ, और फिर गोकू कहता है कि नहीं गोटेन, तुम उसे कमजोर मत समझना। और उसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो गोहान और क्रिलिन मिलकर गोकू पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि गोकू सुपर सैयन फॉर्म में होता है तो वो सारे के सारे लोग गोकू के सिर्फ एक ही हमले से जमीन पर आ जाते हैं। और फिर गोकू बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? मैं तुम सबको एक बार माफ कर दूंगा, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम लोग नहीं माने तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरा कोई परिवार भी है, और मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और इसके बाद गोकू देखता है कि वे सभी लोग अपने डिसीजन पर खड़े रहते हैं, और वो लोग गोकू को मार कर ही रहेंगे। और फिर गोकू गोटेन से कहता है कि गोटेन, यहाँ से जितनी दूर हो सके तुम उतनी दूर भाग जाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ अभी बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। और तभी गोटेन कहता है कि लेकिन डैड मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। और फिर गोकू कहता है कि गोटेन मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम यहाँ से चले जाओ। और गोटेन कहता है कि ठीक है डैड मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। और ये बात बोल के गोटेन वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी शक्ति बढ़ाने लगता है, और तभी वहाँ पर वेजिटा आ जाता है, और हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन गॉड फॉर्म में होता है, और वो गोकू से कहता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो कैकरॉट। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, वेजिटा? और फिर वेजिटा कहता है कि क्या हाल है कैकरॉट। और गोकू वेजिटा से कहता है कि वेजिटा ये लोग आखिर मुझे क्यों मारना चाहते हैं? और जवाब में वेजिटा कहता है, क्योंकि तुम हमारे लिए मुसीबत हो कैकरॉट। और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपने मन ही मन में ये सोचता है कि ये लोग आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा। फिर गोकू आराम से चलकर उन लोगों के पास जाता है, और हम देखते हैं कि तभी गोकू के छाती
पर कोई हमला कर देता है। फिर वेजिटा कहता है कि तुम्हें ये बात समझना होगा कैकरोट कि ये सब कुछ इस प्लेनेट की भलाई के लिए हो रहा है। और फिर गोकू बोलता है कि वेजिटा तुम भी, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और ये बोलने के बाद गोकू जमीन पर गिर जाता है और वो दर्द के मारे बोलता है कि वेजिटा आखिर तुमने भी मुझे धोखा दिया, लेकिन क्यों। फिर वेजिटा बोलता है कि हम इस यूनिवर्स को बचा रहे हैं कैकरोट, और इसके लिए तुम्हें मरना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू पर फाइनल फ्लैश से हमला कर देता है और कहता है अलविदा कैकरोट। और फिर अचानक से गोटेन वेजिटा के चेहरे पर हमला कर देता है और बोलता है मेरे डैड को जाने दो। और फिर वेजिटा हंसते हुए बोलता है तो क्या अब तुम मुझे रोकोगे गोटेन। उसके बाद वेजिटा गोटेन के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है और उसके बाद गोटेन सुपर सेन फॉर्म से हटकर नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। और ये देखकर गोकू बोलता है कि तुम्हें तो मैंने बोला था ना गोटेन कि यहां से दूर चले जाओ, फिर तुम यहां पर क्यों आए। तुम मेरी ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। और इसके बाद गोटेन कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए डैड, मुझे लगा कि आपको मेरी जरूरत है। फिर गोकू कहता है कि मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ गोटेन, जितनी दूर हो सके यहाँ से उतनी दूर चले जाओ। फिर वेजिटा कहता है कि तुम तो अब हिल भी नहीं सकते कैकरोट, जरा खुद को देखो कि तुम कितने लाचार हो चुके हो। वेजिटा फिर से गोकू को खत्म करने के लिए उस पर हमला कर ही रहा होता है कि फिर से गोटेन बीच में आकर वेजिटा पर हमला कर देता है। और फिर गोकू कहता है कि फिर से नहीं गोटेन, आखिर मैंने तुम्हें क्या कहा था। और उसके बाद हम देखते हैं गोकू के पैंट में एक सेंजो बीन्स होता है। फिर गोकू तुरंत उस सेंजो बीन को उठाता है और खा लेता है। और फिर गोकू की सारी शक्तियाँ रिस्टोर हो जाती है और गोकू मन ही मन ये कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे मिस्टर पोपो के पास जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक और सेंजो बीन्स की जरूरत है ताकि मैं गोटेन को दे सकूं। उधर वेजिटा गोटेन पर हमला कर ही रहा होता है और चीची ये सब कुछ देख रही होती है और चीची को ये कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसका बेटा जिंदा रहे या मर जाए। और उधर गोकू सुपर सैयन ब्लू में बदल जाता है। और फिर हम देखते हैं गोटेन को जो वेजिटा के हमलों से बच के भागने में कामयाब जाता है। और फिर वेजिटा गोकू को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि अब वो सुपर सैयन ब्लू में बदल चुका था। और वेजिटा ये देखकर हैरान हो जाता है कि गोकू अभी कुछ देर पहले ही जमीन में पड़ा हुआ था, लेकिन अचानक से ये खड़ा कैसे हो गया। और फिर वेजिटा गोकू से कहता है कि तुम तो जमीन में पड़े हुए थे ना कैकरोट, तो अचानक से ये कैसे हो गया। और तभी वेजिटा नीचे देखता है और उसे पता चलता है कि ये तो सिंजो बीन का एक बैग है। और वो ये कहता है कि इसका मतलब कैकरोट ने सिंजो बीन खाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कैकरोट, तुम्हें तो मरना ही होगा। और इसके बाद गोकू कहता है कि मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा वेजिटा कि तुम भी यही कर रहे हो, आखिर मैं तुम लोगों का खतरा कैसे बन सकता हूँ, आखिर तुम्हें हो क्या गया है वेजिटा। फिर वेजिटा कहता है कि मैं इन सबके जैसा नहीं हूँ कैकरोट, मुझे तो बस हुक्म मिला है। उधर बुलमा वेजिटा से कहती है आखिर तुम क्या कर रहे हो वेजिटा, और तुम्हें ऑर्डर किसने दिया है। उधर वेजिटा कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें मरना होगा कैकरोट। उसके बाद गोकू वेजिटा से पूछता है लेकिन मुझे बताओ वेजिटा, आखिर तुम्हें ये हुक्म किसने दिया है और क्या वो हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। जवाब में वेजिटा कहता है कि हाँ, लेकिन उन्होंने तुम्हें ये बात बताने से मना किया है, लेकिन अब तुम मरने वाले हो, तो सुन ही लो कैकरोट, वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और उनका नाम है लॉर्ड बीरस। और हाँ, अगर हमने ये नहीं किया तो वो तुम्हारे साथ साथ इस पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर देंगे। उसके बाद गोकू कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं मानता, आखिर लॉर्ड बीरस ऐसा कैसे कर सकते हैं, और उन्होंने तो ये बात बोला भी नहीं, हो सकता है उन्होंने ये मजाक में बोला हो। फिर वेजिटा कहता है कि नहीं कैकरोट, वो नींद में नहीं थे और वो बोल रहे थे कि तुम इस यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो और तुम्हारी शक्ति जैसे बढ़ रही है तो तुम बहुत जल्द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी सरपास कर दोगे, इसीलिए तुम्हें तो मरना ही होगा कैकरोट। फिर गोकू वेजिटा से कहता है कि वो सारे गॉड तुम्हें धोखा दे रहे हैं वेजिटा, ताकि हम मॉर्टल्स उनसे कभी आगे ना निकल सके, और तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या वेजिटा, और तुम्हें तो ये बात पता ही होगा ना वेजिटा, लॉर्ड बीरस शुरू से ही हमारे सैयन जाति को मारना चाहते थे और जब उन्हें ये पता चला कि ये सैयन हमसे आगे निकलने वाले हैं तो वो हमें मारना चाहते हैं वेजिटा। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना वेजिटा, मेरे मरने के बाद लॉर्ड बीरस तुम्हें भी खत्म कर देंगे। फिर वेजिटा कहता है कि अपना मुंह बंद रखो बेवकूफ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और गोकू के बीच
में बहुत ही ज्यादा घमासान लड़ाई हो रही होती है। गोकू सुपर सैयन ब्लू में बदल जाता है और इसके बाद गोकू कायोकेन 10 गुना का इस्तेमाल करता है वेजिटा के खिलाफ, और ये देखकर वेजिटा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो ये कहता है, क्या कैकारोट की शक्ति इतनी ज्यादा कब से बढ़ गई? फिर गोकू तेजी से जाकर गोकू पर हमला कर देता है, लेकिन गोकू का वो हमला वेजिटा को नहीं लगता है क्योंकि उस हमले को लॉर्ड बीरस ने रोक लिया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक बीरस का यहाँ आ जाना वेजिटा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वेजिटा बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड बीरस, मैं तो ये कर ही रहा था, लेकिन ये कैकारोट कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो चुका है। फिर बीरस बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो वेजिटा, मुझे पता था कि तुम ये नहीं कर पाओगे, मुझे पता था तुम किसी काम के नहीं हो, और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। इसके बाद गोकू कहता है, आखिरकार आप आ ही गए ना लॉर्ड बीरस, और इन सब की शुरुआत आपसे ही हुई है, मैं तो हमेशा से यही सोचता था कि आप हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन नहीं, मैं गलत था, आप तो हमारे दुश्मन हैं। फिर गोकू कायोकेन 10 गुना का इस्तेमाल करता है और उसके बाद लॉर्ड बीरस उसे बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं, और तब फिर गोकू कायोकेन 50 गुना का इस्तेमाल करता है और लॉर्ड बीरस को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर लॉर्ड बीरस बोलते हैं, मुझे माफ कर देना गोकू, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी मौत कुछ इस तरीके से हो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अब पूरी तरीके से मजबूर हो चुका हूं, और अब ये तुम्हारा अंत है। फिर लॉर्ड बीरस तुरंत हकाई एनर्जी बॉल तैयार कर लेता है गोकू को खत्म करने के लिए, और तभी अचानक से गोकू वहां से गायब हो जाता है। और फिर गोकू बोलता है कि आखिर मैं ये कहां आ गया, यहां पर तो कुछ भी नहीं है। दरअसल वहां पे सच में कुछ भी नहीं था क्योंकि गोकू अब टाइम चेंबर के अंदर आ चुका था। फिर गोटेन गोकू को बोलता है, हे डैड, अभी हम दोनों टाइम चेंबर के अंदर बिल्कुल सेफ हैं। गोकू और गोटेन टाइम चेंबर के अंदर होते हैं। तभी गोटेन कहता है, डैड, हमें शायद कुछ दिन तक अभी यही रहना चाहिए क्योंकि बाहर पता नहीं सबको क्या हो गया है, सभी लोग अचानक से हमें क्यों मारना चाहते हैं, और लॉर्ड बीरस वो आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि आपने तो पूरे यूनिवर्स को टूर्नामेंट ऑफ पावर में बचाया था, तो आखिर क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर गोकू कहता है, गोटेन, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, आखिर गोहान और चीची भी ऐसा कर सकते हैं? वो सब लोग मुझे मारना चाहते हैं, उन सब ने तो तुम पर भी हमला किया, लेकिन क्यों? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है गोटेन। इसके बाद गोटेन कहता है, आप परेशान मत होइए डैड, शायद अगर हम इस टाइम चेंबर के अंदर ज्यादा वक्त तक रहे तो बाहर का माहौल ठीक हो जाए, फिर हम सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है डैड, तब तक हम यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे ताकि मैं और भी ताकतवर बन सकूं। फिर गोकू सोचता है कि मैं आखिर गोटेन को कैसे समझाऊं कि वे सभी लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर क्यों ये ऐसा हो रहा है। गोहान, तुमने अपने छोटे भाई पर हमला किया और चीची भी उन सभी का साथ दे रही थी। गोकू ये सारी बातें सोचता रहता है। तभी गोटेन गोकू से कहता है, डैड, चलिए आप और मैं साथ में मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। और इसके बाद गोकू इन सारी बातों के बारे में सोचना बंद कर देता है। फिर गोकू गोटेन के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि गोकू और गोटेन टाइम चेंबर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और टाइम चेंबर के अंदर इन्हें ट्रेनिंग करते करते 1 साल बीत जाता है और वही बाहर सिर्फ 1 दिन ही बीता होता है। फिर गोकू गोटेन से बोलता है, बहुत ट्रेनिंग हो गई है गोटेन, चलो अब थोड़ा आराम करते हैं, हम काफी दिनों से लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अब मैं कुछ दिनों के लिए सोना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ गोटेन। फिर गोटेन कहता है, ठीक है डैड, लेकिन मैं अभी थोड़ा और ट्रेनिंग करूंगा। उसके बाद फिर गोकू कहता है, ठीक है गोटेन, लेकिन ज्यादा दूर तक मत जाना क्योंकि इस टाइम चेंबर की कोई समय सीमा नहीं है और ये अनंत काल तक फैला हुआ है, समझे गोटेन? इस पर गोटेन कहता है, हाँ डैड, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मुझे अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की टेक्निक सिखाई है। डैड, मैं तो इसमें बिल्कुल भी नहीं खोने वाला, आप चिंता ना करें, और वैसे भी मैं इस टाइम चेंबर के ज्यादा दूर तक नहीं जाने वाला। ये बोलकर गोटेन ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और गोकू सोने। और उसके बाद हम देखते हैं कि टाइम चेंबर के अंदर पूरे 1 साल बीत जाते हैं और गोकू सोचता है और बोलता है, इस टाइम चेंबर के अंदर हमें पूरे 1 साल बीत गए, लेकिन क्या गोटेन को अपने घर की और मॉम की याद नहीं आ रही? चलो अच्छा है, गोटेन अपनी ट्रेनिंग में बिजी है, शायद इसीलिए, क्योंकि इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसके आगे आखिर क्या होने वाला है, और शायद हम लोग कुछ समय के लिए उन सभी से दूर रहे तो सब कुछ ठीक हो, अभी तो मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूँ। उसके बाद फिर गोटेन गोकू के पास जाता है और वो देखता है कि उसके डैड गहरी नींद में सो चुके थे।
और इसके बाद गोटेन बाहर जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे जानना था कि सबने आखिर ऐसा क्यों किया। उसके बाद ये कहकर गोटेन टाइम चैम्बर से बाहर आ जाता है और वो सबसे पहले अपने घर जाता है अपनी मॉम से मिलने के लिए। फिर गोटेन को देखकर चीची गुस्से से कहती है, गोटेन तुम आखिर कहाँ थे? तुम पूरे एक दिन से गायब हो और तुम रात में घर क्यों आ रहे हो? और तुम्हारे डैड कहाँ है? गोटेन क्या हुआ उन्हें? क्या उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया? मैं गोकू को छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनकर रोने लगता है और वो बोलता है, मॉम मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। और गोटेन की ये बात सुनकर चीची काफी हैरान हो जाती है और बोलती है, आखिर क्या हुआ गोटेन, तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने तुम्हें तंग किया क्या? बोलो गोटेन, बोलो क्या हुआ? और उसके बाद हम देखते हैं कि पीछे से गोहान आ जाता है और गोहान बोलता है, क्या बात है गोटेन, तुम आखिर रो क्यों रहे हो? उधर गोटेन गोहान को ऐसा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि गोहान उसे एक दिन पहले मारने की कोशिश कर रहा था और अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। गोटेन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और फिर वो गोहान को सारी बातें बता देता है। उसके बाद गोहान कहता है, गोटेन ये तुम क्या कह रहे हो? तुम और डैड तो ट्रेनिंग करने गए थे ना, और उसके बाद तुम इतनी जल्दी आ गए? तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई क्या? फिर गोटेन गोहान से कहता है, मैं और डैड जब ट्रेनिंग कर रहे थे तब तुम सब वहाँ पर अचानक आ गए थे और ये कह रहे थे कि डैड की वजह से पूरे प्लेनेट को खतरा है, इसीलिए तुम सब डैड को मारना चाहते थे या उन्हें इस प्लेनेट से बहुत दूर भेजना चाहते थे। और मैंने तुम सभी लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की पर तुम लोगों ने मुझ पर भी हमला किया। और गोहान तुमने और मॉम ने भी मुझसे कहा था कि अगर मैं बीच में आऊँ तो तुम मुझे भी मार डालो। गोटेन फिर ये बात कहकर जोर जोर से रोने लगता है और इसके बाद फिर चीची गोटेन को डांटने लगती है और चीची गुस्से से कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो गोटेन, और ये पागलों जैसी बातें आखिर तुम क्यों कर रहे हो? और चीची का ये गुस्सा देखकर गोटेन फिर से जोर जोर से रोने लगता है। उसके बाद फिर चीची गोटेन को चुप कराती है और बोलती है, चुप हो जाओ गोटेन, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी, क्या तुम्हें ये सच में लगता है? जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा गोटेन। उधर गोहान को भी ऐसा ही लगता है कि गोटेन ने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। इसके बाद फिर गोटेन कहता है, नहीं गोहान मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और इसके बाद मैं और डैड टाइम चेम्बर के अंदर चले गए थे और मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ और डैड अभी भी टाइम चेम्बर के अंदर सो रहे हैं। गोहान गोटेन की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो गोटेन? उसके बाद फिर गोटेन कहता है, हाँ गोहान मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इसके बाद फिर गोहान चीची से कहता है, मॉम आप मेरा यहीं पर इंतजार कीजिए, मैं अभी डैड को लेकर यहाँ पर आता हूँ। फिर चीची कहती है, ठीक है गोहान तुम जल्दी से गोकू को लेकर यहाँ पर आओ। इसके बाद फिर गोहान अपने घर से निकल जाता है और गोहान रास्ते में यही सोच रहा होता है कि गोटेन जो कुछ भी बोल रहा था क्या वो सच है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से गोहान के सामने कोई आ जाता है और गोहान उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि गोकू होता है। गोहान गोकू से कहता है, डैड मैं आपके पास ही आ रहा था आपको लेने के लिए, मॉम आपको बुला रही है डैड। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान के इतना कहते ही गोकू उस पर हमला कर देता है, फिर गोहान दूर जाकर गिरता है। ये सब देखकर गोहान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गोकू उस पर हमला क्यों कर रहा है। इसके बाद गोहान कहता है, क्या बात है डैड, आखिर आप मुझ पर हमला कैसे कर सकते हैं, आखिर बात क्या है? उसके बाद फिर गोकू कहता है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, तुम सब ने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोहान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके डैड ये सब क्यों बोल रहे हैं और उन्हें क्या हुआ है। इसके बाद गोहान ये सोचता है कि गोटेन ने भी मुझे सेम बात कही थी। इसके बाद गोहान गोकू से कहता है, डैड आखिर आपको हुआ क्या है और आप मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? उधर गोकू गोहान की एक भी बातें नहीं सुनता और लगातार गोहान पर हमला करे जाता है। उसके बाद गोहान कहता है, डैड चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना ले लो लेकिन मैं आप पर कभी हमला नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान के पास जाता है और एक ईवल से स्माइल देते हुए कहता है, तो ठीक है गोहान मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद गोकू गोहान पर आखिरी हमला करने जा रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर फ्यूचर ट्रंक्स आ जाता है और वो गोकू पर एक जोरदार का हमला करता है जिससे कि गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर गोहान फ्यूचर ट्रंक्स से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो ट्रंक्स, तुम आखिर डैड पर हमला क्यों कर रहे हो? उसके बाद ट्रंक्स कहता है, गोहान क्या तुम्हें दिखता नहीं वो तुम्हें मारने ही वाले थे, अगर मैं बीच में नहीं आता तो वो तुम्हें खत्म कर देते। और इसके बाद गोहान बहुत ही हैरानी से ट्रंक्स से पूछता है,
है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। इसके बाद ट्रंक्स कहता है, गोहान आखिर तुम जिसे अपना डैड समझ रहे हो वो तुम्हारे डैड है ही नहीं। गोहान ट्रंक्स की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है। फिर गोहान कहता है, क्या आखिर तुम ये क्या कह रहे हो ट्रंक्स। फिर ट्रंक्स बोलता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ गोहान। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू कहता है, ओह तो आखिर तुम समझ ही गए, लेकिन आखिर तुम यहाँ कैसे पहुँच गए ट्रंक्स। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स गोहान से कहता है, गोहान हम इससे नहीं लड़ सकते और हमें मौका देकर यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद गोहान गुस्से में आकर कहता है, नहीं ट्रंक्स मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से वेजिटा भी आ जाता है और वेजिटा अचानक से गोहान पर हमला कर देता है। उसके बाद ट्रंक्स ये देखकर वेजिटा पर एक जोरदार का हमला करता है जिससे कि वेजिटा वहीं पर खत्म हो जाता है। और ये देखकर गोहान कहता है, ट्रंक्स ये आखिर तुमने क्या किया, तुमने अपने डैड को ही मार दिया। इसके बाद ट्रंक्स कहता है, शांत हो जाओ गोहान, वो मेरे डैड नहीं थे। और गोहान ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है। और तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कहती है, अरे वाह तुम तो काफी समझदार हो चुके हो, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लूंगा जैसा कि मैंने गोकू को फंसाया। उधर गोहान उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर ये अब तक जिंदा कैसे है डबोरा। इसके बाद डबोरा कहता है, मैंने गोकू और गोटेन को तो काफी आसानी से बेवकूफ बना दिया और वो लोग चले भी गए यहाँ से, अब मेरा प्लान पूरा होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान को अब सारी बातें समझ में आ जाती है कि गोटेन जो भी कुछ कह रहा था वो बिल्कुल सच था और ये सब इसके जादू का कमाल था। इसके बाद ट्रंक्स गोहान से कहता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ गोहान, हमें यहाँ से चलना होगा वरना हम मारे जाएंगे। उसके बाद गोहान कहता है, नहीं ट्रंक्स मुझे लगता है कि डबोरा ने मेरे डैड के साथ कुछ किया है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं, मैं डबोरा को खत्म कर दूंगा अभी और इसी वक्त। उसके बाद ट्रंक्स कहता है, बात को समझो गोहान, वो तुम्हारे डैड नहीं है। ये बात सुनने के बाद गोकू कहता है, ओ गोहान क्या तुम अपने प्यारे डैड को सच में मारना चाहते हो। फिर ट्रंक्स देखकर गोहान को कहता है, इसकी बातों पर मत आना गोहान, ये ब्लैक है। उधर गोहान उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है, आखिर तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो मार दिया गया था ना। उसके बाद ब्लैक कहता है, मेरे पास तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब नहीं है, तुम बस इतना जान लो कि मैंने जो सोचा था अब वो हो चुका है, गोकू यहाँ पर नहीं है और वो यहाँ पर नहीं आने वाला क्योंकि तुम लोगों ने तो उसे मारने की कोशिश की थी ना, क्यों है ना गोहान। उसके बाद ब्लैक कहता है, तुम लोग कितने बुरे हो, तुम लोग अपने डैड को मारने की कोशिश कर रहे थे और वो बेचारा गोकू वो तुम सबसे दूर जाकर टाइम चेंबर में बैठा हुआ है क्योंकि वो तुम सबसे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने तो कुछ भी नहीं देखा, वो सब तो डबोरा का जादू था और अब तुम सबको बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्यों मैंने बिल्कुल सही कहा ना गोहान। और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक ये सारी बातें बोलकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा और उसके बाद टाइम चेंबर के दरवाजे को बाहर से ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि गोकू हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर बंद हो जाए। और ब्लैक कहता है, लेकिन तुम सब चिंता मत करो क्योंकि तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उधर गोहान और ट्रंक्स ब्लैक की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर गोहान कहता है, मैं तुम्हें ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये कहकर गोहान ब्लैक पर हमला कर देता है लेकिन ब्लैक उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोहान ब्लैक पर फुल पावर से कामेहामेहा से अटैक करता है और वो कामेहामेहा का अटैक सीधा जाकर ब्लैक को लगता है लेकिन ब्लैक उससे बचने की कोशिश भी नहीं करता और वो वहीं पर सीधा खड़ा रहता है। और फिर हम देखते हैं कि गोहान के उस अटैक से बहुत ही जोरदार का धमाका होता है और ये देखकर गोहान को लगता है कि उसने ब्लैक गोकू को मार दिया, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है गोहान देखता है कि ब्लैक को तो एक खरोच तक
तक नहीं आई और गुहान ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक गुहान पर एक जोरदार का हमला करता है और गुहान बिल्कुल ही अधमरा सा हो जाता है और फिर ब्लैक गुहान के पास जाकर के कहता है मरने का वक्त आ गया गुहान। ये कहकर ब्लैक गुहान पर आखिरी हमला करने ही वाला होता है कि तभी बीच में अचानक से ट्रंक्स आ जाता है और वो ब्लैक पर एक की ब्लास्ट का हमला करता है जिससे ब्लैक थोड़ा दूर जाकर गिरता है और इधर ट्रंक्स मौका देखकर गुहान को लेके वहाँ से चला जाता है अपने टाइमलाइन में। उसके बाद ब्लैक ये देखकर डाबोरा से कहता है वो लोग भाग गए कोई बात नहीं डाबोरा चलो हमें बाकियों को भी खत्म करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वेजिटा के पास जाने लगता है और रास्ते पर उन्हें गोकू का भी घर दिख जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि गोटेन बाहर में गोहान का इंतजार कर रहा होता है और ब्लैक उसे देखकर चौंक जाता है और सोचता है ये बाहर कैसे आ गया कहीं गोकू को सब पता तो नहीं चल गया। फिर वो लोग गोटेन के पास तुरंत जाते हैं। इधर गोटेन को उसे देखकर लगता है कि वो तो उसके डैड हैं तो गोटेन ब्लैक के पास चला जाता है और गोटेन अपनी मॉम से कहता है देखो मॉम डैड आ गए। उसके बाद हम देखते हैं कि चीची बाहर आती है और वो ब्लैक को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो गोटेन से कहती है गोटेन हटो वो तुम्हारे डैड नहीं है। फिर ब्लैक अचानक से गोटेन पर हमला कर देता है जिससे कि गोटेन जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद ब्लैक ये समझ जाता है कि गोकू यहाँ पर नहीं है और ब्लैक का गोटेन पर हमला करता हुआ देखकर चीची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ब्लैक पर हमला कर देती है। फिर ब्लैक चीची को एक झटके में ही गोटेन के सामने खत्म कर देता है। उसके बाद गोटेन अपनी मॉम को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा चिल्लाता रहता है मॉम नहीं। उधर ब्लैक गोटेन के पास जाता है और कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसा पिद्दी भी इतना समझदार हो सकता है पर तुम टाइम चैम्बर से वापस क्यों आए चलो कोई बात नहीं लेकिन अब जब तुम वापस आ ही गए हो तो अब तुम भी यहीं मरोगे और अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो गोकू हमेशा के लिए टाइम चैम्बर के अंदर ही बंद हो जाएगा। उसके बाद ब्लैक डाबोरा से कहता है डाबोरा तुम जल्दी से कामे प्लेस पर जाओ और जा करके उस टाइम चैम्बर के दरवाजे को हमेशा के लिए तबाह कर दो तो जल्दी जाओ क्योंकि अगर ये बात गोकू को पता चली तो वो गोटेन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर चला आएगा। और वो डाबोरा से कहता है जरा जल्दी करो डाबोरा हमारे पास वक्त नहीं है। उसके बाद डाबोरा कहता है जैसा आप कहे माय लॉर्ड और ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर इधर ब्लैक गोटेन से कहता है अब तुम्हारा भी मरने का वक्त आ गया है गोटेन। ये कहकर ब्लैक उस पर हमला करने ही वाला होता है लेकिन तभी तुरंत वहाँ पर वेजिटा आ जाता है और वो ब्लैक पर एक जोरदार हमला करता है जिससे कि ब्लैक काफी दूर जाकर गिरता है। फिर वेजिटा उससे कहता है तो वो एनर्जी तुम्हारी थी जो कि मुझे महसूस हो रही थी मुझे नहीं पता था कि तुम आखिर कैसे जिंदा हो लेकिन अब मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा ब्लैक। उसके बाद ब्लैक वेजिटा से कहता है तुम मुझे मारोगे। वेजिटा तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम मेरा सामना कर पाओ और वैसे भी डाबोरा टाइम चैम्बर के पास पहुंचने ही वाला होगा और वो वहां पहुंचकर टाइम चैम्बर के दरवाजे को तोड़ देगा तब तुम्हारा दोस्त गोकू हमेशा के लिए टाइम चैम्बर के अंदर ही बंद हो जाएगा। फिर ब्लैक कहता है और उसके बाद तुम सबकी आखिरी उम्मीद भी वहीं पर खत्म हो जाएगी। क्यों मैंने बिल्कुल सही कहा ना वेजिटा। फिर ये बात सुनने के बाद वेजिटा कहता है तुम कैकरोट को टाइम चैम्बर के अंदर बंद करने वाले हो नहीं ये नहीं हो सकता मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। और ये कहकर वेजिटा उस पर हमला कर देता है लेकिन ब्लैक अपने एक न्यू फॉर्म में बदल जाता है और वो वेजिटा के हमले को बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है और इसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत जोरदार फाइट होने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी पूरी शक्ति से फाइनल फ्लैश का हमला ब्लैक पर कर देता है और फिर गोटेन से कहता है गोटेन जल्दी से अपने डैड के पास जाओ और उन्हें वहां से वापस लेकर आओ वरना हम सब यहां पर मारे जाएंगे ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है मैं इसका सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन सदमे में था और वो बहुत ही ज्यादा रोए जा रहा था क्योंकि ब्लैक ने उसकी मॉम चीची को मार दिया था। और उधर हम देखते हैं कि ब्लैक वेजिटा के पास आ जाता है और वो उस पर एक जोरदार का हमला करता है जिससे कि वेजिटा नीचे गिर जाता है। और फिर उसके बाद ब्लैक गोटेन से कहता है तुम कहीं भी नहीं जा रहे बच्चे और ये कहकर ब्लैक गोटेन पर एक पावरफुल अटैक कर देता है लेकिन इधर गोटेन उस अटैक को देखता रहता है और वो वहाँ से नहीं हटता लेकिन तभी वहाँ अचानक से वेजिटा बीच में आ जाता है और वो उस हमले को रोकने की कोशिश करता है। और ये देखकर ब्लैक कहता है ओह तो तुम भी उसके साथ मरना चाहते हो वेजिटा।
और ये बोलने के बाद ब्लैक जोर जोर से हंसने लगता है। इधर दोबारा से वेजिटा गोटेन से चिल्ला करके कहता है, गोटेन जल्दी से अपने डैड के पास जाओ क्योंकि मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। बेवकूफ, जाओ जल्दी जाओ गोटेन, क्योंकि अब क्या करोठी हमारी आखिरी उम्मीद है। फिर गोटेन कहता है, लेकिन वेजिटा। फिर वेजिटा गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना जल्दी जाओ। बेवकूफ, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं झेल सकता, अगर तुम नहीं गए तो हम दोनों मारे जाएंगे। उसके बाद गोटेन कहता है, ठीक है वेजिटा। और उसके बाद गोटेन इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन जैसे ही टाइम चेंबर के अंदर पहुँचता है तब गोकू उससे पूछता है, हे गोटेन आखिर तुम कहाँ चले गए थे, मैं कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन रोते रोते सारी बात गोकू को बता देता है। उसके बाद गोकू ये सारी बात जानकर सोच में पड़ जाता है और कहता है, आखिर वो अब तक जिंदा कैसे है। उसके बाद फिर गोटेन कहता है, हमें जल्दी चलना होगा डैड, वरना वो बाकी सबको भी मार डालेंगे। उसके बाद गोकू कहता है, हाँ गोटेन जल्दी चलो। और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचते हैं तो उन्हें दिखता है कि दरवाजा टूटा हुआ था, क्योंकि डाबोरा वहाँ पर आया था और उसने टाइम चेंबर के दरवाजे को बाहर से ही तोड़ दिया। और फिर गोकू और गोटेन वही टाइम चेंबर के अंदर ही फंस जाते हैं। और उधर हम देखते हैं कि वेजिटा अभी भी ब्लैक के हमले को रोक नहीं पा रहा था और वो ब्लैक के हाथों मारा जाता है। और इधर हम देखते हैं कि ट्रंक्स गोहान को लेकर अपने टाइमलाइन में चला जाता है और गोहान को ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर गोहान ट्रंक्स से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है ट्रंक्स। फिर ट्रंक्स कहता है कि मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता गोहान, लेकिन ब्लैक का वापस आना और पास्ट में जा करके फिर से सबको मार डालना, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, लेकिन उसे आखिर किसने जिंदा किया होगा और आखिर क्यों? मैं भी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ गोहान। उसके बाद गोहान कहता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ब्लैक मुझ पर हमला करने जा रहा है और तुम वहाँ पर सही समय पर कैसे पहुँच गए, मुझे बताओ ट्रंक्स। उसके बाद ट्रंक्स कहता है, मैं तो सिर्फ अपने डैड से मिलने गया था, लेकिन अचानक से मैंने ब्लैक को वहाँ पर देखा और उसके साथ डबोरा भी था। मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी कि वो लोग आखिर क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मैं ये बात सबको बताता इससे पहले वो सब कुछ कर चुका था। इसके बाद गोहान कहता है, लेकिन ट्रंक्स अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो सारे लोगों को मार देगा, हमें जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि डैड अभी भी टाइम चेंबर के अंदर है और साथ ही साथ गोटेन भी। मुझे वापस जाना होगा ट्रंक्स, उन सभी को मेरी जरूरत है और मैं यहाँ पर कायरू की तरह बैठा हुआ हूँ। उसके बाद गोहान कहता है, मैं उनसे ऐसे डर कर नहीं भाग सकता ट्रंक्स। इसके जवाब में ट्रंक्स कहता है, अगर हम वहाँ पर गए तो हम दोनों भी मारे जाएंगे, अब इस पूरी धरती की उम्मीद सिर्फ हम दोनों पर है। उसके बाद गोहान कहता है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो ट्रंक्स, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे कायरो की तरह बैठे रहे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ट्रंक्स कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो, वो सारे लोग वहाँ पर मारे जाएंगे और हम यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। इसके जवाब में ट्रंक्स कहता है, गोहान हमें शांत रहना होगा, हम अभी किसी भी हालत में कोई भी गलती नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और हमारे अपने भी वहाँ पर है, लेकिन हमारी एक गलती से बहुत कुछ बदल सकता है और ब्लैक पिछली बार से बहुत ज्यादा ताकतवर है, समझे तुम गोहान। और ट्रंक्स कहता है, और अभी हम किसी भी हाल में उन सभी को बचाने के लायक नहीं है, और अगर हमने उन सभी से जबरदस्ती लड़ाई करने की कोशिश की तो हम सब मारे जाएंगे गोहान, हमें अब थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। और इसके बाद गोहान कहता है, तो कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना ट्रंक्स, नहीं तो हम अपने सभी को खो देंगे। उसके बाद ट्रंक्स कहता है, नहीं गोहान, हम उन्हें ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा कर सकते हैं, तो तुम चिंता मत करो, बस कुछ टाइम और, उसके बाद हम उनसे लड़ने के लिए जाएंगे। उसके बाद गोहान कहता है, ट्रंक्स ठीक है मैं समझ गया। और इसके बाद गोहान सोचता है और मनी मन ब्लैक से ये कहता है, ब्लैक तुमने जो किया है मैं इसके लिए तुम्हें बहुत बुरी मौत मारने वाला हूँ। और इसके बाद हम टाइम चेंबर के अंदर गोकू और गोटेन को देखते हैं जो कि टाइम चेंबर के अंदर होते हैं। उसके बाद गोटेन गोकू से कहता है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे डैड, हम तो यहाँ पे फंस चुके हैं, हम यहाँ से बाहर आखिर कैसे निकलेंगे। इसके जवाब में गोकू कहता है, गोटेन तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि यहाँ से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, हमें बस अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा और इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तुम्हें याद है गोटेन कि तुम भी एक बार यहाँ पे फंस गए थे पिकोलो के साथ, तो तुम भी यहाँ से ऐसे ही बाहर निकले थे, क्यों है ना, तो हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा गोटेन। इसके बाद गोटेन कहता है, मैं समझ गया डैड,
फिर गोकू कहता है, गोटेन चलो हमें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, जितना हो सके उतना ताकत बढ़ाओ, और याद रहे गोटेन हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ेगी, तो जितना तुमसे हो सकता है गोटेन तुम उतनी शक्ति बढ़ाओ। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और गोटेन दोनों अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं। गोकू पहले सुपर सैयन में बदल जाता है और फिर सुपर सैयन 2 में और उसके बाद सुपर सैयन 3। फिर लगातार गोकू अपनी शक्तियों को बढ़ाते ही रहता है। इधर गोटेन भी अपनी ताकत को बढ़ा लेता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने ब्लू फॉर्म में आ जाता है और फिर वो गोटेन से कहता है, तैयार हो जाओ गोटेन। फिर गोटेन कहता है, हाँ डैड मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। उसके बाद गोकू कहता है, तो ठीक है एक साथ जोर से चिल्लाना, पूरी ताकत लगाकर गोटेन। और इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर एक साथ बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन टाइम चेंबर पर इसका कोई भी असर नहीं दिख रहा था। और इसके बाद गोकू गोटेन से कहता है, और भी जोर लगाओ गोटेन। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, लेकिन टाइम चेंबर पर एक खरोच तक नहीं आती है। और गोकू ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये आखिर कैसे हो सकता है। और गोकू गोटेन से कहता है, पिछली बार तो तुमने और बू ने इसे तोड़ दिया था ना, और मैं तो पिछली बार से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है। उसके बाद गोटेन कहता है, हम दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगा दी, फिर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लगता है डेंडे ने इस पर कुछ बदलाव किए हैं जिसकी वजह से टाइम चेंबर काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है और इसीलिए इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है डैड। इस पर गोकू कहता है, मुश्किल तो है गोटेन, लेकिन नामुमकिन नहीं, हम इसे तोड़ेंगे, हर हालत में इसे तोड़ेंगे। उसके बाद गोटेन कहता है, लेकिन कैसे डैड। और उसके बाद गोकू कहता है, हमें ट्रेनिंग करनी होगी गोटेन, और हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, हमें काफी टाइम तक ट्रेनिंग करनी होगी, उसके बाद हम यहाँ से जरूर निकल पाएंगे। उसके बाद गोटेन कहता है, ठीक है डैड मैं तैयार हूँ। फिर गोकू कहता है, लेकिन गोटेन मुझे भूख लगी है और खाना शायद अभी खत्म होने वाला है, तो अब हम क्या खाएंगे गोटेन। जवाब में गोटेन कहता है, आप चिंता मत कीजिए डैड, यहाँ पर खाना कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि डेंडे के टाइम चेंबर अपडेट करने के बाद यहाँ पर खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो गोटेन से कहता है, गोटेन अब हमारी दिक्कत खत्म होने वाली है। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और गोटेन अपनी ट्रेनिंग करने लग जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें टाइम चेंबर के बाहर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ब्लैक और डबोरा बाहर में बहुत सारे लोगों को मारे जा रहे थे और तभी ब्लैक कहता है, तबाही करने में जो मजा है वो और किसी में भी नहीं है, गोकू यहाँ पर नहीं है तो इन लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता, और वेजिटा को तो मैंने अपने हाथों से खत्म कर दिया है, तो अब इस प्लेनेट पर कोई भी ताकतवर योद्धा नहीं है और ना ही इन इंसानों में इतनी ताकत है कि ये मुझे मार सके। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से पिकोलो आ जाता है और कहता है, तो वो तुम थे जिसकी ताकत मुझे महसूस हो रही थी, लेकिन तुम आखिर जिंदा कैसे हो, बाकी सब कहाँ है, उन्हें भी तो तुम्हारी ताकत महसूस हुई होगी ना, क्या तुम्हें किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। ये बात सुनकर ब्लैक कहता है, तुम बेवकूफ हो मॉर्टल, तुम उन बेवकूफ मॉर्टल की बात कर रहे हो, किसी में भी इतनी ताकत नहीं है जो मुझे रोक सके और ना ही कोई मुझे रोकने के लिए आने वाला है। उसके बाद पिकोलो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ ब्लैक। इसके बाद ब्लैक हंसते हुए कहता है कि मैंने सबको मार दिया, और ये बात बोलने के बाद ब्लैक जोर जोर से हंसने लगता है और ये बात सुनकर पिकोलो कहता है, क्या नहीं ये नहीं हो सकता। और फिर पिकोलो कहता है, रुको जरा मुझे किसी की शक्ति महसूस नहीं हो रही है, नहीं गोकू वेजिटा गोहान इसका मतलब वाकई में इसने सबको मार दिया। इसके बाद ब्लैक पिकोलो से कहता है कि तुम सभी की शक्ति महसूस करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद पिकोलो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये मेरा दिमाग पढ़ सकता है। उसके बाद ब्लैक कहता है, वो सभी तो मारे गए, तो तुम अब जिंदा रह करके क्या करोगे पिकोलो। उसके बाद पिकोलो गुस्से से कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के। फिर पिकोलो ब्लैक पर हमला कर देता है, लेकिन ब्लैक पिकोलो के हमले को बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है और फिर पलक झपकाते ही एक ही बार में पिकोलो को खत्म कर देता है। उसके बाद फिर ब्लैक जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, देखा डबोरा ये सब लोग कितने कमजोर हैं।
और मुझे इन कमजोरों से बहुत ज्यादा नफरत है, इसीलिए इन लोगों के लिए मरना ही सही था। इसके बाद डबोरा ब्लैक से कहता है, अब हम आगे क्या करेंगे माय लॉर्ड? जवाब में ब्लैक कहता है, डबोरा अभी बहुत सारे अधूरे काम करने बाकी हैं, क्योंकि मुझे अभी इस पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं बुलमा को, जो कि वेजिटा का इंतजार कर रही थी, और बुलमा को वेजिटा की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी और वो सोचती है वेजिटा अब तक घर नहीं आया। और इसके बाद हम देखते हैं कि बुलमा अपने स्पेसशिप पर बैठकर वेजिटा को ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो देखती है कि चारों तरफ तबाही मची हुई है। बुलमा ये सब देख करके बहुत ज्यादा चौंक जाती है और उसे वेजिटा की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। वो चारों तरफ वेजिटा को ढूंढने लगती है और तभी उसे अचानक से वेजिटा दिखता है। बुलमा जल्दी से वेजिटा के पास जाती है और देखती है कि वेजिटा जमीन पर पड़ा हुआ था। वेजिटा की ऐसी हालत देखकर बुलमा बहुत जोर जोर से रोने लगती है और वेजिटा से कहती है, वेजिटा उठ जाओ, आखिर तुम्हें ये क्या हुआ है? ये सब आखिर किसने किया? अपनी आंखें खोलो वेजिटा। लेकिन वेजिटा कुछ भी नहीं बोल रहा था। बुलमा समझ जाती है कि वेजिटा अब मर चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से ब्लैक आ जाता है और ब्लैक बुलमा को कहता है, हे बुलमा, क्या तुमने मुझे पहचाना? कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई ना? क्योंकि इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें मारा था और इस बार मैंने वेजिटा को भी मार डाला। उसके बाद हम देखते हैं कि बुलमा, जो कि ब्लैक को देखकर वहाँ पर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और बुलमा ब्लैक से कहती है कि तुम आखिर जिंदा कैसे हो? तुम तो मर गए थे ना, फिर आखिर कैसे? फिर ब्लैक कहता है, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। अब वेजिटा भी मर चुका है तो अब तुम जिंदा रह करके क्या करोगी? और जब सारे लोग मर ही चुके हैं तो तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें भी मरना होगा। और ये बात बोलने के बाद ब्लैक जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद ब्लैक कहता है, ये बहुत ही अजीब है, मैंने तुम्हें एक बार मारा था, अब दोबारा मारने की बारी है, अलविदा बुलमा। और उसके बाद ब्लैक बुलमा को खत्म करने वाला होता ही है कि तभी वहाँ पर अचानक लॉर्ड बीरस और विस आ जाते हैं और ब्लैक उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर विस बुलमा के पास जाता है और वो वेजिटा को देखकर कहता है, मिस बुलमा, आप चिंता ना करें, वेजिटा अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। लेकिन वेजिटा की सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही है। उसके बाद विस की ये बातें सुनकर ब्लैक कहता है, अरे वाह, लगता है प्रिंस ऑफ सैयन में अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है। और वो कहता है, खैर कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द उसे भी खत्म कर दूंगा। उसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, जामासू, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने एक तबाही का देवता खड़ा है। और ये बात सुनने के बाद ब्लैक कहता है, नहीं बीरस, मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें भी आज इन सभी लोगों के सामने खत्म करने वाला हूँ। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, तो चलो देखते हैं कि तुम मेरा सामना कैसे करते हो। उसके बाद लॉर्ड बीरस ब्लैक से कहता है, तुमने ये जो कुछ भी किया है इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी जामासू। इसके बाद ब्लैक कहता है, अच्छा बीरस, तो क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ? मैं पहली वाली गलती दोबारा नहीं करने वाला और इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ और अब मैं अपने मकसद में कामयाब होकर रहूंगा बीरस। उसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम में अभी भी बहुत ज्यादा घमंड है, लेकिन मैं जल्द ही इस घमंड को तोड़ दूंगा। उसके बाद बीरस विस से कहते हैं, हे विस, तुम बुलमा और वेजिटा को लेकर के यहाँ से जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को यहाँ पर कोई भी नुकसान हो। इस पर विस कहते हैं, ठीक है माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। इसके बाद ब्लैक कहता है, नहीं, मेरे रहते यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता और मेरे रहते यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता है। उसके बाद ब्लैक डबोरा से कहता है, डबोरा तुम उन दोनों को संभालो और मैं इस बीरस को देखता हूँ। उसके बाद डबोरा कहता है, ठीक है माय लॉर्ड। और उसके बाद हम देखते हैं कि डबोरा विस के सामने खड़ा हो जाता है और वो विस से कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। उसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, हे विस, तुम यहाँ से जल्दी जाओ, मैं इसे खत्म कर तुम्हारे पास जल्दी वापस आता हूँ। उसके बाद विस कहते हैं, ठीक है माय लॉर्ड। लेकिन तभी डबोरा गुस्से से कहता है, बेवकूफ कहीं के, क्या मैं तुम्हें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा? मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, समझे? इसके बाद विस कहता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता और ना ही मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर डबोरा कहता है, इतनी आसानी से नहीं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि डबोरा विस
विस पर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि विस डबोरा के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो ठीक है। और ये कहकर विस डबोरा पे एक छोटा सा हमला कर देता है और उस छोटे से हमले से डबोरा कहीं दूर आसमान में चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि विस लॉर्ड बीरस से कहते हैं, आप अपना ध्यान रखना माय लॉर्ड। उसके बाद लॉर्ड बीरस गुस्से से कहते हैं, तुम अभी तक नहीं गए विस। उसके बाद विस कहता है, वो दरअसल मेरे सामने एक छोटा सा मुसीबत आ गया था लॉर्ड बीरस, तो ठीक है अब मैं चलता हूँ। फिर विस बुलमा से कहता है, मिस बुलमा आप वेजिटा को पकड़ लीजिए और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखिए, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद बुलमा पूछती है, लेकिन विस हम आखिर कहाँ जा रहे हैं? इस पर विस कहता है, आप ज्यादा चिंता ना करें मिस बुलमा, हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह बिल्कुल सेफ है और वेजिटा भी वहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसके बाद बुलमा विस की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है विस जल्दी चलो। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बुलमा विस और वेजिटा वहाँ से निकल जाते हैं। इधर ब्लैक विस से कहता है, बीरस तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी उन लोगों को यहाँ से वापस भेज कर, क्योंकि अब तुम मेरे हाथों अकेले ही मरोगे। वैसे भी अगर विस यहाँ पर होता तो वो तुम्हारी थोड़ी मदद तो जरूर कर देता, लेकिन अब तुम पूरी तरीके से अकेले हो और अब तुम्हें यहाँ पर बचाने वाला कोई भी नहीं है। उसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो और अब मैं तुम्हारी बातें सुनकर पक चुका हूँ। अब बस मैं तुम्हें जल्दी से खत्म कर वापस जाऊंगा, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। और लॉर्ड बीरस की ये बातें सुनकर ब्लैक जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इस बार मार दोगे बीरस? मुझे खत्म करना इतना भी आसान नहीं है और इस बार मैं पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन तुम अपनी पूरी ताकत लगाना बीरस, नहीं तो तुम बहुत जल्द मेरे हाथों से मारे जाओगे। और बीरस उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ठीक है मरने के लिए तैयार हो जाओ जामासू। और ये कहकर बीरस उस पर हकाई एनर्जी बॉल छोड़ देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्लैक वहाँ पर सीधा खड़ा होता है और वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा होता है। वो सिर्फ उस हकाई बॉल को देखता रहता है और वो हकाई बॉल जा करके ब्लैक से टकरा जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत जोरदार का धमाका होता है। और इसके बाद बीरस कहता है, मैंने कहा था कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। चलो मैं अब यहाँ से निकलता हूँ और वैसे भी अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा। ये कहकर बीरस वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन तभी बीरस को एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज बीरस से ये कहती है, इतनी भी जल्दी क्या है बीरस, अभी तो मेरी बारी बाकी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बीरस ये आवाज सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही उस धमाके का धुआं हटता है, ब्लैक बीरस के सामने सुपर सैयन मूव्स में खड़ा होता है। और इधर बीरस उसे देखकर कहता है, आखिर कैसे तुम मेरे हकाई बॉल से आखिर कैसे बच गए? और इसके बाद ब्लैक कहता है, क्या हुआ लॉर्ड बीरस, मैंने कहा था ना मुझे तुम इस बार नहीं हरा पाओगे। और फिर इसके बाद लॉर्ड बीरस कहता है, आखिर इसने अपने साथ किया क्या है और मुझे इसकी ताकत महसूस क्यों नहीं हो रही है? एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते मुझे तो इसकी ताकत महसूस होनी चाहिए थी, आखिर ये हो क्या रहा है? और इसके बाद फिर ब्लैक कहता है, क्या हुआ बीरस, तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी मेरी ताकत को क्यों महसूस नहीं कर पा रहे? क्यों, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और ब्लैक की ये बात सुनकर बीरस कहता है, ओ अच्छा तो तुम्हें पता है कि मैं अब क्या सोच रहा हूँ। इसके बाद ब्लैक कहता है, बीरस मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके बाद बीरस कहता है, वो तो लड़ाई के बाद पता चलेगी कि कौन कितना ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं और एक और हमला ब्लैक पर कर देते हैं। और उधर ब्लैक भी बीरस पर हमला कर देता है और बीरस ब्लैक के हमले को रोकने के लिए खड़ा होता है, लेकिन ब्लैक बहुत ही ज्यादा तेज होता है और वो बीरस को एक बहुत ही जोर का पंच मारता है और बीरस उसके पंच से जमीन पर गिर जाता है। और इसके बाद फिर बीरस कहता है, ये आखिर इतना
तेज कैसे हो सकता है, मैं तो इसे देख भी नहीं पाया। और इधर फिर ब्लैक हंसने लगता है और कहता है, क्यों, क्या हुआ बीरस, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? जवाब में बीरस कहता है, डर और मुझे तुमसे? तुम एक देवता के सामने खड़े हो जामासू, और अब मुझे इस लड़ाई में बहुत मजा आएगा क्योंकि आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझसे लड़ाई कर सके, लेकिन लगता है आज मैं शायद अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाऊंगा। और उसके बाद फिर ब्लैक कहता है, ओ असली ताकत, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारी असली ताकत कि तुम आखिर क्या कर सकते हो। और इसके बाद फिर बीरस कहता है, तैयार हो जाओ जामासू क्योंकि अब मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर तुमसे लड़ने वाला हूँ। इसके बाद ब्लैक कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बीरस। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बीरस अपनी ताकत बढ़ाने लगता है और उसके बाद लॉर्ड बीरस अपने फुल पावर में आ जाता है। उधर ब्लैक बीरस को देखकर कहता है, वाह बीरस, लगता है अब थोड़ा ये मजेदार होने वाला है। उसके बाद बीरस कहता है, ये तुम्हारे आखिरी शब्द होंगे जामासू क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें बुलमा का सीन दिखाया जाता है कि विस बुलमा और वेजिटा को प्लेनेट बीरस पर ले आता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि बुलमा विस से पूछती है, विस वेजिटा ठीक तो हो जाएगा ना? उसके बाद विस कहता है, वेजिटा को कुछ भी नहीं होगा बुलमा, हाँ इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेजिटा को विस ठीक करने लगता है और तभी विस देखता है कि वो वेजिटा के जख्मों को ठीक नहीं कर पा रहा था और विस ये देख करके हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, वेजिटा के जख्मों पर मेरी हीलिंग टेक्निक काम क्यों नहीं कर रही है, आखिर ये किस तरह की चोट है जिसे कि मैं ठीक नहीं कर पा रहा, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद फिर बुलमा कहती है, क्या हुआ विस, तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो, वेजिटा ठीक तो हो जाएगा ना? उसके बाद विस कहता है, पता नहीं मिस बुलमा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी हीलिंग टेक्निक कुछ असर क्यों नहीं कर रहा है। और ये सुनकर बुलमा कहती है, क्या तो इसका मतलब वेजिटा को तुम नहीं बचा सकते? इस पर विस कहता है, आप चिंता ना करें मिस बुलमा, मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, हमें ओरेकल फिस के पास जाना होगा, वो हमारी मदद कर सकता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि विस बुलमा और वेजिटा को लेकर के ओरेकल फिस के पास निकल जाता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि टाइम चैम्बर के अंदर गोकू और गोटेन का सीन दिखाया जाता है जो कि आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और गोकू गोटेन से कहता है, गोटेन तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझ पर हमला करो। और इसके बाद फिर गोटेन अपनी पूरी ताकत लगाकर गोकू पर हमला करता है। फिर गोकू कहता है, इतना काफी नहीं होगा गोटेन, तुम्हें थोड़ा और जोर लगाना होगा, और जोर लगाओ। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोटेन अपनी ताकत को फिर से बढ़ाने लगता है और तभी गोकू कहता है, बिल्कुल ऐसे ही गोटेन, और ज्यादा ताकत लगाओ, बिल्कुल ऐसे ही लगातार अपनी ताकत बढ़ाते रहना। और तभी हम देखते हैं कि गोटेन अचानक से बेहोश होने लगता है और गोकू उसे देख करके घबरा जाता है और गोकू गोटेन से पूछता है कि क्या हुआ गोटेन। और तभी गोटेन कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ डैड, ये कहकर गोटेन बेहोश हो जाता है। इसके बाद फिर गोकू गोटेन से कहता है, चिंता मत करो बेटे, हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। और गोकू कहता है, उसके बाद फिर तुमने जो किया है ब्लैक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद फिर हमें बीरस और ब्लैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड बीरस अपने फुल पावर में ब्लैक से लड़ रहा था। ब्लैक और बीरस में बहुत ही जोरदार फाइट चल रही होती है, वहाँ पर बहुत सारे धमाके हो रहे थे और तभी लॉर्ड बीरस ब्लैक पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है और ब्लैक उसके हमले को रोक नहीं पाता है और दूर जा करके गिरता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस ब्लैक पर लगातार की ब्लास्ट से हमला करते रहता है और कहता है, क्या हुआ जामासू, तुम तो अभी से ही कमजोर पड़ने लगे। लॉर्ड बीरस उस पर लगातार हमला किए जा रहा था और ब्लैक लॉर्ड बीरस के हमले को रोक नहीं पा रहा था। और उधर हम देखते हैं कि विस ओरेकल फिश के पास पहुंच जाता है और वो उससे वेजिटा को ठीक करने के बारे में पूछता है और तभी उसे ओरेकल फिश बताता है, इसके जख्म बहुत ही गहरे हैं, इसे ठीक होने में वक्त लग सकता है। उसके बाद बुलमा पूछती है, लेकिन वेजिटा ठीक तो हो जाएगा ना? उसके बाद ओरेकल फिश पूछता है, कहीं तुम्हें मुझ पर शक तो नहीं हो रहा? फिर विस कहता है, ऐसी बात नहीं है मिस बुलमा, वेजिटा को लेकर थोड़ी चिंता में है, बस इसीलिए वो ऐसा कह रही है। उसके बाद ओरेकल फिश कहता है, ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद विस कहता है, लगता है कुछ गड़बड़ है। उसके बाद बुलमा कहती है, क्या हुआ विश, सब ठीक तो है ना? उसके बाद विस कहता है, मिस बुलमा यहाँ पर सब ठीक है। तो फिर विस, मुझे तुम थोड़े घबराए हुए दिख रहे हो,
इसके बाद फिर विस कहता है, मुझे लॉर्ड ब्रूस को लेकर के बहुत ही अजीब फील हो रही है, पता नहीं क्यों। और फिर इसके बाद हम देखते हैं उधर लॉर्ड ब्रूस जो कि ब्लैक के साथ फाइट कर रहे थे, वो लगातार ब्लैक पे अटैक किए जा रहे थे और ब्लैक उसके अटैक को रोक नहीं पा रहा था। उसके बाद ब्रूस अपने हाथों में एक बहुत बड़ी एनर्जी को तैयार करने लगता है और फिर कहता है, बस अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है, अब तुम्हें पता चलेगा कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ने का नतीजा क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड ब्रूस उस एनर्जी बॉल को ब्लैक की तरफ फेंक देता है और कहता है, अब मरो जामासू, तुमने आखिर सोच भी कैसे लिया था कि तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना कर लोगे। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। उसके बाद लॉर्ड ब्रूस कहते हैं, चलो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, वैसे भी मेरे सोने का वक्त हो गया है। और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड ब्रूस वहाँ से जाने लगते हैं और तभी ब्रूस को अचानक से एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज ब्रूस से ये कहती है, कहाँ भाग रहे हो ब्रूस, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और ब्रूस ये आवाज सुनकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है उस पर अचानक से ही ब्लैक हमला कर देता है और ब्लैक का ये हमला बहुत ही जोरदार होता है और ब्रूस उस हमले को नहीं झेल पाता और वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद ब्लैक कहता है, बहुत ये चूहे बिल्ली का खेल खेल लिए ब्रूस, और इस खेल से मैं बहुत ही ज्यादा उब चुका हूँ, अब ये खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। उसके बाद ब्रूस कहता है, लेकिन कैसे, आखिर तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो, आखिर कैसे, तुमने आखिर अपने साथ क्या किया है जामासू। जामासू ये बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, क्या हो गया ब्रूस, हैरान हो गए क्या, लेकिन तुम अब ये सब कहने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। और ये कहने के बाद ब्लैक एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट तैयार करने लगता है और ब्रूस बस उसे देखता ही रहता है और फिर ब्लैक उस बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट को ब्रूस की तरफ फेंक देता है। उसके बाद ब्लैक कहता है, तुम मुझे मारने की बात कह रहे थे ब्रूस, अब तुम यहीं पर मरोगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वो बस खड़ा होकर ये सोच रहा था कि आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। और तभी वहाँ पर अचानक से एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज लॉर्ड ब्रूस से कहती है, लॉर्ड ब्रूस हट जाइए। और उसके बाद हम देखते हैं कि विस वहाँ पर आ जाता है और वो उस हमले को रोकने लगता है और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये देखने के बाद ब्लैक कहता है, ओ अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही धुआं हटता है सामने विस खड़ा होता है और ब्रूस उसे देखकर कहता है, विस तुम यहाँ पर विस। जवाब में विस कहता है, हाँ माय लॉर्ड, मुझे लगा ही था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है और मैंने इसकी ताकत महसूस कर ली थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। आप आराम कीजिए लॉर्ड ब्रूस, इसे तो मैं देखता हूँ। इसके बाद ब्लैक कहता है, देखो जरा, अब ये एंजल मुझसे लड़ाई करेगा। और ब्लैक कहता है, तो आ जाओ, आज मैं तुम दोनों को ही हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। Hey anime fans, this is anime girl Anna and ye thi What If Goku and Goten Were Locked in Time Chamber ka full movie और इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स इंक्लूड हैं। सो आई होप कि आपको ये सीरीज भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और अब आप लोग पिछली बार की तरह सेम यही चीज़ सोच रहे होंगे कि मैं नेक्स्ट जो एपिसोड है वो बहुत ही जल्दी अपलोड करूँ ताकि आप लोग उस एपिसोड का भी आनंद उठा सको। सो मैं उसके लिए एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि गाइज, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ट्रस्ट मी, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि जैसा वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ उसके बिहाव पे आप मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखा ही सकते हो। मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ और सिर्फ बदले में थोड़ा सा आप लोगों से सपोर्ट मांग रही हूँ। मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि जहाँ पे आप इतना टाइम, अपना कीमती टाइम दे करके आप ये पूरी सीरीज देख रहे हो, पूरा वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे सिर्फ एक और मिनट दे करके मेरे वीडियो को एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जो आपके एनिमे फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ शेयर करो एंड एक छोटा सा और प्यारा सा एक कमेंट दे दो ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिले। क्योंकि अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करते हो ना, उससे ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा हमें इंकरेज फील होती है, बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट मिलती है। एटलीस्ट हमें ये पता तो चलता है कि चलो हम आप लोगों के लिए जो चीज़ कर रहे हैं
वो चीज आप लोगों को वाकई में पसंद आ रही है। और फर्स्ट टाइम मैं इस वीडियो पे एक एम रख रही हूँ लाइक्स के। सो गाइज, अगर इस वीडियो में मुझे ज्यादा नहीं सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि सिर्फ 2 दिन के अंदर मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर भी अपलोड करूं। तो इसके लिए सिर्फ आप लोगों को इतना करना है कि आप लोगों को जल्द से जल्द लाइक बटन पे प्रेस करना है। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एक प्यारा सा कि आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगी या नहीं लगी। और नेक्स्ट पार्ट अगर वाकई में चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में लिख के भेजो। एंड उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये एम है कि 1000 लाइक तक मुझे फटाफट पहुंचा दो। और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन एटलीस्ट आप तक पहुंच जाए। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग मी।